ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में, सैलरी इनकम में सम्स वाले पेजेस, इलस्ट्रेशन 12। ये रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला ही क्वेश्चन है, जैसा इलस्ट्रेशन 11 था, ये रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला ही क्वेश्चन है, बट एक स्टेप ज्यादा है। पहले वाले में सिर्फ अनफर्निश्ड था, इसमें स्टेप टू भी आएगा, फर्नीचर की वैल्यू भी यहाँ पे पूछी हुई है। ठीक है, अब मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं इलस्ट्रेशन 11 का। पहले इलस्ट्रेशन 11 जब हम लोगों ने किया था, इलस्ट्रेशन 11 ही हम लोगों ने किया था भानु प्रसाद वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट हम लोगों ने बनाई थी, स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये स्टेटमेंट टैक्सेबल सैलरी इनकम की स्टेटमेंट नहीं है। जब हम लोग लॉन्ग सम करेंगे तो ये एक वर्किंग नोट बन जाएगा, ये मेन स्टेटमेंट नहीं है। मेन स्टेटमेंट में बेसिक सैलरी भी टैक्सेबल होगा, बोनस भी टैक्सेबल होगा, कमीशन भी टैक्सेबल होगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 6,000 रुपये टैक्सेबल होगा, और ये जो नॉट इंक्लूडेड इन BABC था, दूसरी स्टेटमेंट, DNS अलाउंस नॉट इंक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन 48,000। ये जब हम मेन स्टेटमेंट बनाएंगे टोटल टैक्सेबल सैलरी इनकम की, उसमें तो ये 48,000 टैक्सेबल ही लिखना है। तो ये क्या इंक्लूड करना है BABC में और क्या इंक्लूड नहीं करना है, ये सब वर्किंग नोट्स में आता है। अभी तक हमारा मेन स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। मेन स्टेटमेंट मतलब ये जो इलस्ट्रेशन 1 में किया था, जैसे इलस्ट्रेशन 1 है, ये इलस्ट्रेशन 1 में DNS अलाउंस टैक्सेबल है 1,50,000, चाहे वो रिटायरमेंट पर्पस या प्रोविडेंट फंड पर्पस के लिए इंक्लूड करना हो या इंक्लूड नहीं करना हो, DNS अलाउंस टैक्सेबल है। तो जो इलस्ट्रेशन 1 किया था हमने, इसमें जो स्टेटमेंट हमने बनाई थी, ये मेन स्टेटमेंट है। मेन स्टेटमेंट मतलब जिसमें हम टैक्सेबल सैलरी इनकम निकालते हैं। तो DNS अलाउंस चाहे रिटायरमेंट पर्पस के लिए लेना हो कि नहीं लेना हो, टैक्सेबल तो पूरा ही होता है। ठीक है, तो अभी ध्यान रहे कि जो हम लोग अभी सीख रहे हैं वो वर्किंग नोट्स हैं, एक तरीके के लॉन्ग सम के वर्किंग नोट्स में, ये लॉन्ग सम के वर्किंग नोट्स में बनता है ये सब कुछ। ठीक है, तो अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं सैलरी, अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे पहले प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर देखते हैं। श्री मलय दास गुप्ता इज द जनरल मैनेजर ऑफ अ कंपनी एट कानपुर। अब यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं, मलय दास गुप्ता। सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन ऑफ श्री मलय दास गुप्ता। ओके, अब ये कानपुर में कोई कंपनी में जनरल मैनेजर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द परक्यूजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस। यहाँ पे लिखा है फर्निश्ड हाउस, मतलब स्टेप टू भी होगा आज। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज सैलरी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 मतलब प्रीवियस ईयर 2021-22। अब अगर प्रीवियस ईयर 2021-22 होगा तो असेसमेंट ईयर 2022-23 होगा। ठीक है, मैं हर वीडियो लेक्चर में बोलता हूँ, आप किसी भी साल में, आप कोई भी साल में ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, बहुत साल तक ये रूल सेम ही रहते हैं, कुछ चेंज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। एक मिनट, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ अप टू 30 सितंबर, 50,000 पर मंथ फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, पहले 6 महीने और दूसरे 6 महीने, पहले 6 महीने का सैलरी और दूसरे 6 महीने का सैलरी। पहले 6 महीने था 40,000 1 अप्रैल से लेकर, और दूसरे 6 महीने था 50,000 पर मंथ 1 अक्टूबर से लेकर। DNS अलाउंस 37.5% ऑफ बेसिक सैलरी, 50% ऑफ विच इज टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रोविडेंट फंड पर्पस। कमीशन 20,000 पर मंथ विच इज इंक्रीज टू 25,000 पर मंथ फ्रॉम 1/1/22। बोनस 1/5 ऑफ एनुअल बेसिक सैलरी, लेकिन ये फिफ्थ पॉइंट ध्यान रखना, अगर फिफ्थ पॉइंट नहीं पढ़ा तो 1, 2, 3, 4 सब गलत हो जाएगा, तो फिफ्थ पॉइंट में ध्यान देना। परक्यूजर ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन, फर्नीचर के साथ मिला अकोमोडेशन। द हाउस वॉज एक्चुअली यूज बाय द एम्प्लॉई फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस फ्रॉम 1/4/21 टू 30/11/21। अब ये कितने महीने होते हैं, ये होते हैं 6, 7, 8, 8 महीने होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये होते हैं 8 महीने।
8 महीने के लिए ही घर यूज किया है एम्प्लॉय ने, तो हमारी जो सारी कैलकुलेशन होगी, जो भी सारी हमारी कैलकुलेशन होगी, वो सिर्फ 8 महीने की ही होगी। ठीक है, तो अगर आपने 1, 2, 3, 4 पॉइंट पहले सॉल्व कर दिया तो बाद में पता चलेगा कि सब गलत हो गए। हमको सिर्फ 8 महीने चाहिए थे, वो भी स्पेसिफिकली कौन से 8 महीने, अप्रैल से नवंबर तक। द एनुअल फेयर रेंट ऑफ द हाउस ओन्ड बाय द कंपनी इज 1,80,000। एनुअल फेयर रेंट हमको काम नहीं आता है, वो ओल्ड कोर्स में काम आता था, न्यू कोर्स में, न्यू सिलेबस में आफ्टर अमेंडमेंट ये 1,80,000 काम नहीं आता है फेयर रेंट। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड फर्नीचर फॉर विच द कंपनी पेज एक्चुअल रेंट ऑफ ₹36,000 पर एनम। हमको तो 8 महीने चाहिए सब जगह पे, ठीक है, तो ये जो 36,000 है ये स्टेप 2 में आएगा। अब धीरे धीरे शुरू करते हैं हम लोगों। इस आदमी ने, मलयदास गुप्ता ने, जो घर यूज किया है वो सिर्फ 8 महीने ही यूज किया है, तो हम लोगों को सारी की सारी कैलकुलेशन 1/4 से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, फ्रॉम 1/4 2021। तो 30/11/2021, और ये होते हैं 8 मंथ्स, 8 महीने का कैलकुलेशन करना है हमको। ठीक है, शुरू करते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ अप टू 30 सितंबर, तो यहां से लिखना है। अभी आप लोग को, अभी आप लोग आराम से कर लोगे अभी, क्योंकि वो 8 महीने वाली पॉइंट मैंने पहले बता दी। तो बेसिक सैलरी जो इस आदमी की है वो पहले 6 महीने, मतलब 1 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर 2021, ये होते हैं 6 महीने, 6 मंथ्स। इन 6 महीने की सैलरी होगी 40,000 पर मंथ। ठीक है, मैं तो इतना डिटेल में लिखता था, जब मैं एज अ स्टूडेंट मैं हर एक महीना अलग अलग लिखता था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हर एक महीना मैं अलग अलग लिखता था। वैसे लिखो तो भी ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। देखो अप्रैल, मई, अप्रैल 21, मई 21, जून 21, फिर जुलाई 21, फिर अगस्त 21, फिर सितंबर 21, सितंबर 21, फिर अक्टूबर 21, फिर नवंबर 21। ठीक है, नवंबर के बाद तो इस आदमी ने घर यूज ही नहीं किया। अब इसकी बेसिक सैलरी अप्रैल में थी 40,000 पर मंथ, हाँ, मई में 40,000 पर मंथ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी 40,000 पर मंथ, फिर अक्टूबर से इसकी सैलरी हो गई 50,000 पर मंथ। मैं तो इस तरीके से करता था, बहुत डिटेल में। ठीक है, अब इसकी सैलरी पहले 6 महीने की है 40,000 पर मंथ, और बाद में बाकी के 2 महीने की है 50,000 पर मंथ। तो अभी वैदिक सैलरी का टोटल कर देते हैं, इक्वल टू सम सम फ्रॉम 40,000 6 महीने, तो ये हुआ 2,40,000, और 1 लाख अलग से 3,40,000, ये वैदिक सैलरी हो गया इस आदमी का। इसके बाद क्वेश्चन में डीएनएस अलाउंस दिया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है डीएनएस अलाउंस 37.5% ऑफ वैदिक सैलरी, 50% ऑफ विच इज टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रोविडेंट फंड पर्पस। अब सुनना ध्यान से, डीएनएस अलाउंस 37.5% ऑफ सैलरी, तो मैं पहले लिख देता हूँ डीएनएस अलाउंस, और सारे के सारे महीने जो ऊपर वाले हैं ये पहले कॉपी कर देता हूँ। अब इन्होंने लिखा है 37.5% ऑफ बेसिक सैलरी, तो ये जो 40,000 है, ये वाला 40,000 है, मल्टीप्लाई बाय 37.5 / 100, तो 40,000 का 37.5% होता है 15,000। ठीक है, अब हर एक महीने में ऐसा कर देते हैं, तो पहले 6 महीने में 40,000 का 37.5% होता है 15,000, 15,000, 15,000 6 बार, फिर 50,000 का 37.5% होता है 1,875,000। दिस इज 37.5% ऑफ बेसिक सैलरी, 37.5% ऑफ बेसिक सैलरी। लेकिन इसमें से देखो, मैं इसका टोटल करके एक पॉइंट समझाता हूं मैं आपको। इसमें से इक्वल टू सम, इन सब का टोटल होता है 1,275,000। अब ये 1,275,000 फुल अमाउंट टैक्सेबल होता है, जब हम लोग लॉन्ग सम करेंगे, जब हम लोग पूरा स्टेटमेंट बनाएंगे, तो 1,275,000 फुली टैक्सेबल है। लेकिन इसमें से अभी अभी सिर्फ 50% ही कंसिडर करना है फॉर रिटायरमेंट पर्पस या प्रोविडेंट फंड पर्पस, सिर्फ 50% ही कंसिडर करना है। तो
इस 15,000 को मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 100 कर देंगे, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 50% कर देंगे तो 7500 आएगा। अब 50% इज टू बी कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट पर्पस, ठीक है, ऐसे हर एक महीने का 50% कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो टोटल भी आ गया हमारा, टोटल आ गया 63750। ये जो 63750 है ये हम आउटर कॉलम में लिख देंगे, 63750। 50% इज टू बी कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट पर्पस और प्रोविडेंट फंड पर्पस। चलो, तो जितना प्रोविडेंट फंड पर्पस वाले इंक्लूड करना वो ही हमको रेंट फ्री अकोमोडेशन में चाहिए। आगे डीएनएस अलाउंस भी हो गया। इसके बाद आपको दिया हुआ है कमीशन, कमीशन में लिखा है 20,000 पर मंथ विच इज इंक्रीज टू 25,000 पर मंथ फ्रॉम 1/1/2022। तो पहले 20,000 पर मंथ था, आप बोल सकते हो पहले 9 महीने अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, फिर जनवरी से लेकर पीछे वाले जो 3 महीने उसमें 25,000 हो गया। तो कमीशन मैं लिखना शुरू करता हूँ यहाँ पे, कमीशन, कमीशन में लिखा हुआ है कि पहले था 20,000 पर मंथ। दिमाग लगाओ, हमको सारे के सारे महीने चाहिए ही नहीं, हम लोगों को सारे महीने चाहिए ही नहीं, हमको सिर्फ पहले वाले 8 महीने चाहिए। तो कमीशन पहले था 20,000, कब तक 20,000 था, दिसंबर तक, दिसंबर तक 20,000 था, ये नवंबर 2021, दिसंबर 2021, जनवरी 2022, फरवरी 2022 और मार्च 2022। तो पहले हमारा कमीशन 20,000 था दिसंबर तक, बाद में 25,000 हो गया, लेकिन ये सब 25,000 हमको चाहिए ही नहीं। ये आदमी ने जो घर यूज किया है वो घर सिर्फ इसने कब तक यूज किया था बेटा, इसने घर यूज किया था 30 नवंबर तक, यहां तक। तो नीचे वाले जो 4 महीने हैं दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, वो हमको चाहिए ही नहीं, ठीक है, ये हमारे किसी काम के ही नहीं है, ठीक है। तो इनको मैं ब्लैंक कर देता हूँ, यहाँ पे इसने घर यूज ही नहीं किया। तो पहले 8 महीने का इसका कमीशन था 20,000 पर मंथ, पहले 8 महीने। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 8 महीने, इसका कमीशन हो जाएगा 1,60,000। ये कमीशन हो गया 1,60,000। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कमीशन के बाद आपको दिया है बोनस। बोनस इज 1/5 ऑफ एनुअल बेसिक सैलरी। अब एनुअल का 1/5 होगा तो मंथली का भी 1/5 ही होगा बोनस। तो बोनस में यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक सैलरी का 1/5, ये फोर्थ नंबर पॉइंट बोनस। इन्होंने लिखा एनुअल का 1/5, अगर एनुअल का 1/5 होगा तो मंथली का भी 1/5 ही होगा, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी कितना था, बेसिक सैलरी का टोटल कितना था, बेसिक सैलरी का टोटल था 3,40,000। इस 3,40,000 को मैं मल्टीप्लाई बाय 1/5 कर दूंगा, तो 3,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 ये 68,000 होता है। अब ये सारी चीजें जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ये क्या है, ये है आइटम्स, आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन सैलरी फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है, जिसको हम लोग बीएबीसी भी बोलते हैं। व्हाट इज बीएबीसी, बेसिक सैलरी, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, ठीक है, ये सारी चीजें हमको चाहिए इंक्लूड करनी है। आगे बढ़ते हैं, हाँ, और क्या दिया हुआ था बोनस के बाद, परक्यूजेड ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन, द हाउस वाज एक्चुअली यूज्ड बाय द एम्प्लॉई फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस फ्रॉम 1/4/21 टू 30/11/21। ये 8 महीने का हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। द एनुअल फेयर रेंट ऑफ दिस हाउस ओन्ड बाय द कंपनी इज 1,80,000। ये फेयर रेंट हमारे काम का नहीं है। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड फर्नीचर फॉर विच द कंपनी पेज एक्चुअल रेंट ऑफ ₹36,000 पर एनम, ठीक है। ये फर्नीचर की पॉइंट स्टेप टू में आएगी और ये 1,80,000 हमको काम नहीं आएगा। अब हम इन सारी अमाउंट्स का टोटल कर देंगे, 3,40,000, 63750, 1,60,000 और 68,000, इन सबका मैं टोटल कर देता हूँ। 3,40,000 से लेकर 1, 2, 3, 4 अमाउंट का टोटल, तो इन चार अमाउंट का टोटल है 631750। इन चार अमाउंट का टोटल है 631750। ये हमको बहुत काम आएगा, ठीक है, 631750। अब देखो मैं इसका कितना परसेंट निकालूंगा, 7.5% या 10% या 15%, ठीक है, ये सीखते जाओ।
इसका कितना परसेंट निकालना है। अभी आदमी रहता है कानपुर में, हेयर द एम्प्लॉई, हेयर द एम्प्लॉई इज प्रोवाइडेड रेंट फ्री अकोमोडेशन इन कानपुर। अगर आपको याद हो कानपुर में, ये मलय दास गुप्ता, इनको कानपुर में अकोमोडेशन मिला था। अब कानपुर में द पॉपुलेशन ऑफ कानपुर इज मोर देन 25 लैक्स। पॉपुलेशन ऑफ कानपुर इज मोर देन 25 लैक, और जब मोर देन 25 लैक होता है तो हम निकालते हैं 15% ऑफ सैलरी। ठीक है, इधर ध्यान दो, घर जो है वो कंपनी का ओन्ड है कि घर रेंटेड है। श्री मलय दास गुप्ता इज द जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी एट कानपुर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ परक्यूटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन हाउस फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज सैलरी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। यहाँ पे कहीं पे भी बताया हुआ नहीं है कि जो घर है वो कंपनी का एम्प्लॉयर का ओन्ड है कि रेंटेड है। घर की बात कर रहा हूं मैं, फर्नीचर की बात नहीं। घर एम्प्लॉयर का ओन्ड है कि रेंटेड है वो बताया हुआ नहीं है, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि घर ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। हियर वी शुड अज्यूम दैट द हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर बोल सकते हो आप या कंपनी बोल सकते हो। यहां पे क्वेश्चन में लास्ट लाइन में लिखा हुआ है द एनुअल फेयर रेंट ऑफ दिस हाउस ओन्ड बाय द कंपनी लिखा हुआ है, अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। हाउस इज ओन्ड बाय द कंपनी। मैंने क्यों ऐसा अज्यूम किया, क्योंकि अगर घर रेंटेड होता, मैं फर्नीचर की बात नहीं करता हूं, अगर घर रेंटेड होता ना तो रेंटल चार्जेस दिया हुआ होता क्वेश्चन में। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है हाउस ओन्ड, ठीक है मैं लिख देता हूं हाउस ओन्ड। हेयर द, हमने अज्यूम नहीं किया, क्वेश्चन में दिया हुआ है हेयर द हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। हेयर द हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, सो द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, सो द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन अनफर्निश्ड, कौन सा अनफर्निश्ड, इज इक्वल टू 15% ऑफ सैलरी। सैलरी कौन सा, सैलरी जो हमने ऊपर वर्किंग नोट बना के निकाला, तो 631750 का, 631750 जो आया ये वाला, इसका 15%, 631750 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो 631750 का 15%, ये 631750 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ओके तो ये हमारा स्टेप वन हो गया, इसको स्टेप वन बोलते हैं। 94762.5 अप्रोक्सीमेट कर देंगे तो 94763 हो जाएगा। ठीक है, ये इसको स्टेप वन बोलते हैं हम लोग कि अनफर्निश्ड हो तो क्या। इसके बाद स्टेप टू आता है, स्टेप टू में हम लिखते हैं कि फर्निश्ड हो तो क्या, अगर हमारा घर फर्निश्ड हो तो क्या। मैं पहले रूल्स बता दूं, रूल्स होते हैं फर्नीचर की वैल्यू, ठीक है मैं लिखता नहीं हूं, लिखा हुआ मेरा थ्योरी में है। अगर फर्नीचर ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, अगर फर्नीचर ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, और अगर फर्नीचर रेंटेड बाय द एम्प्लॉयर है तो एक्चुअल रेंटल चार्जेस। इसमें कुछ भी मोर या लेस नहीं होता है, कुछ भी मोर या लेस नहीं। ओन्ड है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, और अगर रेंटेड है तो एक्चुअल रेंटल चार्जेस। तो इस क्वेश्चन में रेंटेड था, मेरे को याद है 36,000 था, तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर जितना यूज किया, वैल्यू ऑफ फर्नीचर ये जो है रेंटेड और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर है, और इसका एक्चुअल रेंटल चार्जेस था 36,000 रुपीज पर एनम, मेरे को याद है क्वेश्चन में लिखा हुआ था 36,000 रुपीज पर एनम।
है, अब 36,000 पर एनम था, तो हमारा जो एम्प्लॉय है मलयदास गुप्ता, उसने तो 8 महीने ही घर यूज किया, मतलब फर्नीचर भी 8 महीने यूज किया, तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर कैसे निकालेंगे? 36,000 मल्टीप्लाई बाय 8 महीने डिवाइडेड बाय 12। तो अगर आप 36,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12 करते हो तो आंसर आएगा 24,000, मतलब वैल्यू ऑफ फर्नीचर आया 24,000 रुपीज 8 महीने का। ठीक है, ये हो जाएगा फर्निश्ड, फर्निश्ड अकोमोडेशन, इसको बोलेंगे फर्नीचर का कितना वैल्यू। तो फर्नीचर का वैल्यू आया ये वाला 24,000। ठीक है, तो 94763 अनफर्निश्ड का और फर्नीचर का 24,000। ठीक है, इसमें से अगर कोई रेंट माइनस किया हो, अगर कोई रेंट माइनस किया हो मलयदास गुप्ता की सैलरी में से, जिसको कंसेशन इन रेंट बोलते हैं या रिकवरी बोलते हैं, रिकवरी फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन, अगर मलयदास गुप्ता की सैलरी में से कुछ माइनस किया है तो यहाँ पे भी माइनस कर दो। ठीक है, उसको स्टेप 3 बोलते हैं। तो फाइनली फाइनली टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन इक्वल टू ये जो 94763 रुपीज था प्लस 24,000 फर्नीचर का माइनस, अगर कुछ हमने सैलरी में से डिडक्ट किया हो तो यहाँ पे कुछ भी हमने डिडक्ट नहीं किया, इक्वल टू 94763 प्लस 24,000, 94763, 94763 प्लस 24,000 माइनस 0। ठीक है, ये होता है 118763 इक्वल टू 118763, ये हमारा फाइनल आंसर 118763, 1,18,763 रुपीज फाइनल आंसर। ठीक है, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, लिखना अच्छे थे तब लोग। ये क्वेश्चन है लेसन 12, ये वर्किंग नोट्स। ठीक है, बस यहाँ तक ही, देखो सब लोग लिखते रहो बेटा।